नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज चर्चा में हम बात कर रहे हैं जहरीली कफ सिरप की। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बनने वाली जहरीली कफ सिरप, जहरीली कथित जहरीली कहना चाहिए कि कथित जहरीली कफ सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। कहा है कि बाजार से इन कफ सिरप को हटाया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये वही दवाएं हैं जिन्हें पीकर गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है हिंदुस्तान टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं हितेंद्र राव। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। और आपसे बेटर कोई पर्सन नहीं है जो ये बता सके कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस विवादित कप सिरप की, ये किस तरह का यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरह की दवाएं बनाई जा रही हैं जो कि गाम्बिया में कहा जा रहा है कि 66 बच्चों की जान ले चुकी है। भारत के लिए जो कि दुनिया में दवा एक्सपोर्ट करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है, कितना एम्बैरसिंग है ये। पहले तो धन्यवाद आपका नेहा बुलाने के लिए। देखिए, ये बहुत ही जिसको कहते हैं गंभीर विषय है। ना सिर्फ इसमें देश की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और देश की जो कहते हैं एक जो एक स्टैंडिंग है वर्ल्ड में एज एन एक्सपोर्टर, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगता है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल है कि ह्यूमन लाइफ्स को कितना कैजुअली, कितना इंडिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। ये कफ सिरप जो टेस्ट हुए हैं गाम्बिया में, ये मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है सोनीपत में, वहाँ से ये एक्सपोर्ट होके गए हैं। और जो WHO ने इसमें टेस्ट किए हैं उससे ये पता चला है कि इसमें कंटेमिनेंट्स हैं डाइथलाइन ग्लाइकोल और एथलाइन ग्लाइकोल नाम के, जिनकी वजह से, जिनकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो भी उसे कंज्यूम करेगा उसके किडनी फेलियर हो सकता है और इश्यूज हो सकते हैं। 66 किड्स की डेथ जो हुई है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है, और उसी के बाद जो है ये इन्वेस्टिगेशन की गई है। इसमें एक तरह से उन्होंने टेस्ट कराए, इनके अलग अलग जगह टेस्ट हुए हैं इसके जी। तो उसके बाद इन्होंने एक अलर्ट इशू किया, मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट, कि इस दवा का सेवन ना किया जाए। अगर ये किसी और मार्केट में भी चली गई है वहाँ पे भी रोका जाए। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि ये दवा एक्सपोर्ट करी गई है, ये मेडन फार्मास्यूटिकल भी कह रहा है, हेल्थ अथॉरिटीज ड्रग कंट्रोलर भी कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जिस इंग्रेडिएंट से इसको बनाया गया है, जो इसमें कंटेंट्स डाले गए हैं, वो तो उसी कंपनी ने डाले हैं जी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो वही है। ये किसी और, मेडन फार्मास्यूटिकल बहुत सारे कफ सिरप्स बनाती है जो डोमेस्टिक मार्केट में भी जाते हैं जी। तो मेरा जो एप्रीहेंशन है या जो मेरा जो जो मुझे संदेह या डर है वो ये है कि क्या इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में जो इस तरह का लैप्स हुआ है ये, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो WHO ने जो प्रिलिमिनरी जो मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट इशू किया उसके बेसिस पे, क्या ये इस तरह की कोई जो इस तरह के जो कफ सिरप जो और ब्रांड्स हैं, ब्रांड ए गया है गैम्बिया, देर कुड बी अ ब्रांड बी, ब्रांड सी, ब्रांड डी, जिसमें वही प्रोपिलीन ग्लाइकोल डाला हो जो कंटेमिनेटेड है, वो कहीं डोमेस्टिक मार्केट में तो नहीं इन्फिल्ट्रेट कर गया है? और इसको लेके अभी तक क्या एक्शन लिया गया है या उनके स्टॉक्स को चेक करवाया गया या रिकॉल करवाया गया, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई इस तरह का रिस्पांस आया है, ना CDSCO की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस आया है कि इनके जो सैंपल्स जहाँ जहाँ गए हैं कफ सिरप के उनको एग्जामिन किया जा रहा है या उनके ऊपर एक अलर्ट इशू किया जा रहा है कि दीज सैंपल शुड नॉट बी सोल्ड टू कंज्यूमर्स। अगर किसी रिटेलर के पास हैं, केमिस्ट के पास हैं, तो वहीं पे उनको रोक दिया जाए। इस तरह की कोई बात नहीं आई है, विच इज थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ से कोताही हुई है। ये भी हमें करना चाहिए क्योंकि
इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं भारत में भी बहुत रिपोर्ट हुए। मैं आपको 28 साल पहले का सिमिलर वाक्या बताता हूँ। मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस के लिए गुड़गांव में पोस्टेड था जी। तो सडनली इसी तरह के केसेस आने लगे जिसमें बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे थे, डायरिया के कंप्लेंट्स आती थी और उसके बाद जो है हॉस्पिटल लाते थे और किडनी फेलियर की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हुई। अराउंड अबाउट 30-35 किड्स डाइड। और उस टाइम पे फर्स्ट एप्रीहेंशन जो थी वो ये था कि कोई आउटब्रेक हो गया है, कोई कॉलरा का आउटब्रेक हो गया है या किस तरह की बीमारी फैल गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ की टीम वहाँ आई, उन्होंने चेक किया, सारा सैंपल्स वगैरह लिए, कुछ नहीं मिला। बाद में यही पता चला कि उनको भी कफ सिरप दिए गए थे, जैसे खांसी बुखार हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को जी। उनको कफ सिरप दिए गए थे और उनमें भी ये डीएथिलीन ग्लाइकोल मिला जो कि एक कंटेमिनेंट है, टॉक्सिक है और इट कैन लीड टू किडनी इंजरी। तो ये वाकया 28 साल पहले हुआ। उसके बाद और कई स्टेट्स में इस तरह के वाकया हो चुके हैं, जम्मू में हो चुका है और भी कई स्टेट्स में हुआ है जी। मेरा कहना ये है कि हमने क्या सबक लिया, जो चीज़ 28 साल पहले हुई थी exactly. वही आज फिर रिपीट हो रही है। थैंकफुली फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हो रही है, किसी और देश में हो रही है, लेकिन हुई तो है जी। लापरवाही तो की जान गई है। जी जी हुई तो है, रिपीट हुई है। तो किस तरह का हमारा ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो इसको अलाउ कर रहा है इतने साल से, और हमने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको के चेक करने के लिए कि ये इस तरह की चीज़ें ना हो। ये जो चेक्स की बात है, मैं समझना चाहूँगी कि एक तो हमारे जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, फिर हरियाणा में भी अपना अलग से है। कोई भी दवा जब एक्सपोर्ट होती है तो जो देश इसको आयात करता है वहाँ पर भी एक चेक होता है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो पैमाना है वो सही है कि नहीं, वो भारत के एंड में भी, किसी भी देश के एंड पर भी ये चेक होता है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप जितने भी इस तरह के रेगुलेटर्स जो इस तरह की दवाओं पर नज़र रखते हैं, उनकी गुणवत्ता पर नज़र रखते हैं, वो हर स्टेप पर इसे इसकी अनदेखी हुई है और यही वजह है कि बच्चों की मौत हुई है, और इसके जिम्मेदार, इसके कसूरवार तो हर स्टेप पर नज़र आ रहे हैं लोग। देखिए हमारे यहाँ पे मल्टीपल बॉडीज़ हैं, जैसे आपने कहा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया का अपना एक उनका एक जिसको कहते हैं कि क्षेत्र है जिसमें वो काम करते हैं, अधिकार क्षेत्र है उनका जिसमें वो काम करते हैं, उसी तरह से स्टेट ड्रग कंट्रोलर होता है जी। लेकिन जिस स्टेट में यूनिट होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, राइट, लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेट ड्रग कंट्रोलर ही होता है। आपकी बात ठीक है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपने क्या उसकी गुणवत्ता चेक की है, राइट, और जिस कंट्री ने उसको इम्पोर्ट किया है, गैम्बिया ने जैसे इम्पोर्ट किया, क्या उन्होंने इसकी गुणवत्ता चेक की? मुझे लगता है ये सारा एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है कि ना तो ये यहाँ चेक हुआ है ना वहाँ चेक हुआ है, क्योंकि गैम्बिया भी एक बहुत छोटा सा देश है और बहुत ही पुअर और बैकवर्ड माना जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अफ्रीका का वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस है जी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी मैं कुछ दिन पहले गैम्बिया के प्रेसिडेंट का एक वक्तव्य सुन रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम लेबॉरेटरी यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं ताकि हम ड्रग्स जो आती हैं या हम कोई अगर ड्रग बाहर से मंगाते हैं या कल को मैन्युफैक्चर करें तो उसको हम टेस्ट कर सकें। इससे मुझे लगता है कि उनके पास इतना कोई मैकेनिज्म नहीं है, उनके पास इस तरह का ढांचा नहीं, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उनकी वो कर सके। लेकिन इसमें बड़ी जिम्मेदारी यकीनन भारत सरकार की है। बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, और सबसे ज्यादा तो जिम्मेवारी जो है जो फार्मास्यूटिकल यूनिट की है जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। बिल्कुल जी। और आप कह रहे हैं कि 28 साल पहले सिमिलर एक वाकया जब आप इंडियन एक्सप्रेस में थे तब सामने आया था, तो ऐसा लग रहा है कि रिपीट किया गया है ये जानते हुए भी कि ये कितना घातक हो सकता है। तो कंपनी के एंड पे बहुत बड़ी जो है ये जानलेवा कोशिश, मैं कहूँगी कि ये की गई है और हरियाणा में की गई। और एक खबर मैं ये भी पढ़ रही थी कि पिछले 6 या 7 सालों में इसी कंपनी पर इसी तरह के जो दूसरी दवाइयाँ भी हैं वो जो है लेबोरेटरी में उनके सैंपल्स फेल हुए, उसके बावजूद कोई कार्रवाई हरियाणा में नहीं की गई। कार्रवाई कई बार की जाती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो कार्रवाई की जाती है वो इट इज़ नॉट इनफ। आप कोई पेनल्टी लगा देते हैं, छोटी मोटी सज़ा हो जाती है, बाद में बेल हो जाती है जी। मेरे हिसाब से जो है हमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट जो है लॉज चाहिए, और उनके अलावा उसको इन्फोर्स करने की विल चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि इस तरह के मामलों में
कुछ दिन तो इस पर बहुत गर्मी रहती है, बहुत शोर शराबा होता है, अब इसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है रहेगा, लेकिन अगर ये काफ़ी लंबा चलता रहा तो पता लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, छोटी मोटी पेनल्टी लगा के उनको छोड़ दिया, कोई और उसमें एलिबाई क्रिएट कर ली, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। तो हमारे, मुझे लगता है कि इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इशू है ये, राइट, दवा हरेक को ज़रूरत पड़ती है, गरीब आदमी को भी पड़ती है और जो गरीब नहीं है उसे भी पड़ती है, तो ये एक तरह से बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक सीरियस इशू है कि मार्केट में जो आप दवाई ले रहे हो, जब आप दवाई लेने जाएंगे, बच्चे के लिए कफ सिरप लेने जाएंगे, आपको ये नहीं पता है कि ये रिलायबल है कि नहीं है। जी, हम तो चंडीगढ़ जैसी जगह में रहते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट कंपनीज की दवाई मिल जाएंगी, रैनबैक्सी की मिल जाएगी, कैडिला की मिल जाएंगी और जो बड़ी कंपनीज है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, दूर आपके गांव है, वहाँ जो केमिस्ट शॉप्स हैं या जो दवाइयाँ देते हैं, वहाँ पे छोटी कंपनीज की दवाई मिलेंगी। इसी सवाल पर मैं आपसे और समझना चाहूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में, और लौटेंगे और समझेंगे कि उन इलाकों का क्या जहाँ पर आमतौर पर जो लोग हैं वो बच्चों की दवा के लिए सीधे सीधे केमिस्ट के पास चले जाते हैं। इस सवाल पर हितेंद्र राव से समझने की कोशिश करूँगी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और आज हम बात कर रहे हैं जहरीली कफ सिरप की, जिसे लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया है और कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट भारत में बनने वाली दवाओं को लेकर है। हमारे साथ हितेंद्र राव मौजूद हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हितेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया था कि उन छोटे कस्बों गाँवों का क्या जहाँ पर जो आम नागरिक है वो सीधे केमिस्ट के पास से जाकर अपनी दवा ले आता है, और जो सर्दी काम इस तरह की जो समस्या है वो बिल्कुल ही मामूली समस्या, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही इतना गंभीर मामला नज़र आ रहा है जिसको बिल्कुल ही हल्के तरीके से हैंडल किया है हरियाणा सरकार की, मैं बात कहूँगी। देखिए, छोटे कस्बों में, छोटे गाँव में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे जो है बड़ी कंपनीज जो हैं उनकी मेडिसिन कॉस्टली होती है, जी वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो छोटी कंपनीज हैं, हमारी इंडिजिनस कंपनीज हैं, मेड इन फार्मास्यूटिकल है और बद्दी में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनकी दवाएं आपको ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया जैसे इस केस में हुआ है, आपको याद होगा इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए थे, ये कंपनी का और नाम आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का इस समय, लेकिन एक कंपनी का और नाम आया था जिसकी दवा को लेकर इसी तरह के कफ सिरप थे और डेथ्स हुई थी, जम्मू में भी हुई थी, कुछ हिमाचल में भी हुई थी, इस तरह के केस हुए थे जी। तो ये जो छोटी कंपनीज हैं इनकी दवाइयां जाती हैं, तो इनके ऊपर जो है ना रेगुलेटरी चेक और स्ट्रिंजेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनको जो है, मुझे लगता है कि इनके ऊपर इतनी ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते हैं छोटी यूनिट्स के ऊपर, वो जो रेगुलेटरी चेक है उसका बहुत स्ट्रिंजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे, मुझे जो लगता है हमारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो छोटे शहरों में गांव में रहती हैं वो इन्हीं कंपनीज की दवाइयां जो हैं कंज्यूम करते हैं, और बहुत सारी ये दवाइयां जो हैं ये जेनरिक ड्रग्स हैं, जो जेनरिक ड्रग आपको सस्ती में मिल जाती है जी। आप अगर वैसे क्रोसिन लेने जाएंगे बाजार में तो वो आपको मेरे ख्याल 15 रुपए का या 20 रुपए का पत्ता है उसका, जेनरिक में अगर आप पैरासिटामोल लोगे तो 2-3 रुपए की आ जाती है जी, जी। तो वो फर्क बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी लेवल्स है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, वो अगर मेंटेन नहीं होगा तो इससे जो है आम आदमी की, हर नागरिक की जान को, हेल्थ को खतरा है। सीधे सीधे हेल्थ को खतरा है, और ऐसे में जिस आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि छोटी कंपनियों पर जो है चेक है वो नहीं रखा जा रहा है, तो क्या ये चेक इस वजह से नहीं रखा जा रहा है कि वहाँ पे किसी तरह का करप्शन है? ये पॉसिबिलिटी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि मेड इन फार्मास्यूटिकल को अब एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया है स्टेट ड्रग कंट्रोलर की तरफ से, उसमें काफ़ी सारी वायलेशंस लिस्ट आउट की गई, उसमें से एक दो इंपॉर्टेंट वायलेशंस मैं आपको बता देता हूं जो उन्होंने डिटेक्ट की हैं। प्रोपिलिन ग्लाइकॉल जो कफ सिरप में यूज होता है उसकी जो है आपने क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की है उसकी, ये उसमें लिखा हुआ है जी, उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की है। गुणवत्ता की जांच करनी इसलिए जरूरी है कि प्रोपिलिन ग्लाइकॉल में कई जो डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं वो उसमें कई बार डीएथिलाइन ग्लाइकॉल,
या एथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स कर देते हैं, क्योंकि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक एक्सपेंसिव कमोडिटी है और ये दोनों जो हैं ये सस्ते मिल जाते हैं, दिखते एक जैसे ही हैं। अच्छा, उनको मिक्स कर देते हैं और उसको मिक्स कर देने से कई बार जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है, वही कफ सिरप में जाएगा, वही टॉक्सिक बनेगा, कंटेमिनेंट बनेगा और वो आगे फिर जो भी कंज्यूम करेगा उसको उसके लिए वो जो है जानलेवा हो सकता है या उसे सीरियसली इल कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कितनी वो मात्रा है। बिल्कुल। तो इन्होंने ये क्वालिटी टेस्टिंग नहीं की, ये उसमें लिखा हुआ है। अब मेड इन फार्मास्यूटिकल को इस बात का जवाब देना है 14 अक्टूबर तक। जी, 7 अक्टूबर को हुआ था शो कॉज इशू, 14 अक्टूबर तक देना है। दूसरी बात ये है कि एक बैच है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का जो उन्हें मिला है वहां पे उनकी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसमें ये जो मिला है उन्होंने रेट डाली थी कंपनी पे, इंस्पेक्शन हुआ था, जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया था, उसमें इनको ये मिला है और उसमें जो बैच है उसका प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का, वो कंपनी ने जो कागज हैं कंपनी के पेपर्स हैं उनके हिसाब से वो जो है उन्होंने रिसीव किया है फरवरी 2022 में। जी, फरवरी 2022 में उन्होंने मंगाया है, मार्च में उनको मिला है और उसको एनालाइज किया है। लेकिन जिस दवाई में यूज किया है, जिस एक कफ सिरप में उसको यूज किया गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है दिसंबर 2021। तो ये कैसे संभव है कि आपने मंगाई कोई चीज परसों और उसी चीज से कुछ आपने जो है 2021 में बना लिया, 2002 दिन पहले आपने बना लिया कुछ, जब वो चीज आएगी तभी बनाएंगे ना। तो या तो जो है इन्होंने टेस्ट नहीं किया उसे, टेस्टिंग बाद में करिए, बना लिया पहले उसके बाद टेस्टिंग की है, या इनके पेपर वर्क में प्रॉब्लम है। ये पेपर वर्क बड़ा कैजुअली कर रहे हैं इसी तरह से, तो इनकी उन चीजों पे विश्वास नहीं किया जाता कि ये वाकई में इनके पेपर्स इन ऑर्डर हैं, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। दूसरा, एक बैच और मिला है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का जिसकी एक्सपायरी डेट 2023 की है जी। और जिस कफ सिरप में वो डलना है, जिसमें वो डला है, उस कफ सिरप की एक्सपायरी डेट 2024 की है। तो जब वही एक्सपायर 2023 में हो गया प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जो उसमें डला है जी जी, तो उसकी 2024 कैसे हो सकती है एक्सपायरी डेट? ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं लकुना है और सिर्फ इसी के बेसिस पे इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये तो बहुत ही संगीन जो है यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस है, मैं तो कहूंगी कि स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आप दवा बना रहे हैं, लेकिन आपका जो दवा बनाने का तरीका है वो तो बहुत ही संगीन है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक मैं कहूंगी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हितेंद्र जी, क्योंकि ये सोनीपत में काम हो रहा है और सोनीपत हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, इसके बेहद करीब है। ऐसे में जो हमारे डायरेक्टर जो जनरल रेगुलेटर हैं इंडिया के, उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी यहाँ पर कि इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस यहाँ पर चल रही हैं, लोगों की सेहत को इतना जो है इसके साथ खिलवाड़ यहाँ पर, जानलेवा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको कहा नया जी, इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो हरियाणा का स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, वो उन्हीं की जुरिसडिक्शन में आता है, वो चाहे वो दिल्ली के नज़दीक हो चाहे दूर हो। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नॉर्मली जो यूनिट वाइज कोई इतना इंटरवेंशन नहीं होता उनका, क्योंकि ये स्टेट का काम है, जो स्टेट में अथॉरिटीज हैं, जिसकी स्टेट में ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है उसी का काम है कि उसकी पीरियोडिकली इंस्पेक्शन हो जी, उनके पेपर्स चेक किया जाए, उनको स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स के अंदर रखा जाए ताकि वो गुणवत्ता पे कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। मेरा एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि आज ये शो कॉज नोटिस इशू किया गया, ये सब होने के बाद, इतना शोर होने के बाद ये किया गया, इट्स एन आई वॉश जो आप ये शो कॉज नोटिस जो है आपने ये आपके सैंपल्स जो हैं, ये जो स्टॉक्स हैं आपके फरवरी और मार्च 2022 के आए हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग आपने दिसंबर 21 की दिखा रखी है, ये तब क्यों नहीं की इन्होंने इंस्पेक्शन? इसका मतलब पीरियोडिक इंस्पेक्शन नहीं होती है, और अगर होती है तो बहुत सारी चीजों को जो है आप जो है इग्नोर कर देते हो। तो जिस तरह से आपने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि करप्शन एक बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ पर इस तरह का जो धंधा चल रहा है, एक और जो हमारे देश में कुछ और राज्य हैं जहाँ पर इसी कंपनी की कुछ दवाएं जो है वो लेबोरेटरी में फेल हो गई हैं, केरल का जिक्र करना चाहूँगी मैं और गुजरात का भी जिक्र करना चाहूँगी। केरल में इसी कंपनी की एक जो दवा है उस पर बैन लग गया था, यानी कि देश के भीतर इसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेकर आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसा लग रहा कि दो राज्यों का मामला बताकर इसे अनदेखा किया जाता रहा। नेहा जी, ये जो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम है ना, इस पूरा सामने आया नहीं है। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इसी कंपनी की दवा के सैंपल, इस कफ सिरप नहीं और दवाएं जो ये बनाते हैं, दूसरी दवाएं जी,
टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई दवाई है, एक इजी स्प्रिन है जी, जो कि एक तरह से पेन किलर है जी, और मे बी एंटीकोगुलेंट भी है, आई एम नॉट श्योर जी। तो ये सब चीजें जो हैं, एक मेटोमिन टैबलेट, मेटोमिन जो है ये डायबिटीज के लिए ही होती है, डायबिटिक जो पेशेंट है वही लेते हैं जी। इनके भी कुछ सैंपल फेल हुए हैं, वो हैं वो अब कितना एक्सटेंट है उसका ये तो केरला वाले ही बता सकते हैं, पर उसके लिए शायद इनको कोई वार्निंग वगैरह इशू की गई थी। तो ये तो चलो उनके वहां मिले हैं, केरल में मिल गए 4-5 सैंपल, एक गुजरात में मिल गया। हमें अभी तक एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं पता कि और कहां कहां हुआ है। कुछ जो हमारे सामने जो इंस्टेंसेस आए हैं हम उन्हीं को हाईलाइट कर पा रहे हैं जी। इस कंपनी को काफी साल पहले गुजरात गवर्नमेंट ने भी बैन किया था जी, वहां पे भी सैंपल्स फेल हुए थे। सिंस ये एक्सपोर्ट करते रहे हैं, इनके वियतनाम में भी सैंपल फेल हुए हैं, उन्होंने भी वियतनाम गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम ने भी इनको ब्लैकलिस्ट किया था जी काफी साल पहले। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन जो है एक एक करके इसी कंपनी के खिलाफ जो है सामने आ रहा है। इस पर बात करूंगी वियतनाम वाले मामले पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और समझेंगे कि क्या ये जहरीली दवा बनाने का जो धंधा है वो लंबे समय से चल रहा था और इसे हर स्टेज पर है जो इग्नोर किया गया और क्या इनकेपेबिलिटी रही है सरकारों की। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज बहुत ही गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर है हितेंद्र राव, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं और उनसे समझते हैं कि वियतनाम का जो मसला आपने अभी बताया कि यहाँ पर भी इस तरह से केस आया था और वहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी ये दवा, ये जो किस्सा है वियतनाम का इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। देखिए बहुत सारी कंपनीज थी जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, मेडन फार्मास्यूटिकल उनमें से एक थी, अबाउट 46 कंपनीज थी जी। तो वियतनाम की जो वहाँ की जो डिपार्टमेंट ऑफ उनका जो ड्रग अथॉरिटी है उनकी, उन्होंने एक पूरी उसके बारे में एक लिस्ट निकाली थी कि इनकी ये ऑल दीज कंपनीज हैव बीन ब्लैकलिस्टेड बिकॉज दे आर सप्लाइंग सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ के हमारे जो वियतनाम में जो भारत के जो काउंसिल जनरल थे जिसको आप राजदूत भी कह सकते हैं, जो वो थे उनको दी गई थी और उन्होंने यहाँ पे फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कन्वे की गई थी। 46 कंपनीज थी जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन उसमें भी कितना एक्शन, किसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। हम जो है उसको इन्वेस्टिगेट थोड़ा कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उसमें क्या एक्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उसमें भी यही है कि बार बार जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है वो बार बार लिखता रहा है इनको, ड्रग कंट्रोलर जनरल को, कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, अपने कमेंट्स भेजिए, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा कोई उसमें कोई चीज़ आई नहीं निकल के। ये बात है जो ये इन्होंने सैंपल्स लिए थे, ये लिए थे सैंपल्स नहीं, जो ये बैन की थी इन्होंने, ब्लैकलिस्ट की थी वियतनाम गवर्नमेंट ने, ये 2011 और मेरे ख्याल 13 के बीच की बात है शायद, और तकरीबन 9-10 साल पहले की बात कर उस टाइम का है। और उसके बाद एक मेरे ख्याल 14 या 15 में एक पूरा कंट्री वाइड एक सर्वे कराया गया था, सैम्पलिंग करवाई गई थी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, जो रैंडम सैम्पलिंग की गई थी, अराउंड 47,000 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे दवाइयों के रैंडमली, केमिस्ट के पास जाके सैंपल ले लिया, वो कर लिया। तो उसमें उन्होंने दिया था कि बहुत कम है कंटेमिनेशन, लेकिन क्योंकि ये दवाइयाँ जो थी एक्सपोर्ट हुई थी, ये दवाई तो मिली नहीं होगी ना वहाँ उन सैंपल्स में, ओके, लोकल स्टोर पे एक्सपोर्ट वाली दवाई तो मिलेगी नहीं, जो एक्सपोर्ट वाली है वो एक्सपोर्ट के लिए जाती है। बट जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो कई दवाइयां बन रही हैं, हो सकता है कि वही दवा किसी और नाम से बेची जा रही है, हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, पर क्योंकि आप रैंडम सैंपलिंग करते हो या तो आप टारगेटेड सैंपलिंग करते कि ये दवाइयां मिली थी इनके बराबर की जो है इसी कंपनी की और दवाइयां चेक करें, मुझे नहीं मालूम कि वो सब चेकिंग उस तरह की हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वो डिटेल्स जो है दोज आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, हालांकि एक रिपोर्ट आई थी उस टाइम, तो वो चेक वगैरह किया गया था, लेकिन मेडन के ऊपर या उसके बाद जो कोई कार्रवाई हुई है मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि दे कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट। और अब ये दूसरा जो गैम्बिया वाला जो है जो एपिसोड आया है सामने जी। तो इसको देख के तो लगता है कि वियतनाम वाले के बाद जो है कोई इस तरह के कोई मेजर शायद नहीं लिए गए, हो सकता है नोटिसेस वगैरह शो कॉज नोटिसेस जैसे आप इशू किए हैं उसी तरह से किया गया हो, एक आई वॉश क्रिएट किया गया हो कि जस्ट फॉर
कहते हैं ना हम टिकिंग द बॉक्सेस कि हमने शो कॉज नोटिस दे दिया, हमने फिर रिप्लाई ले लिया, फिर हमने ये फैसला किया, एक फाइन लगा दिया, ये कर दिया, तो इस तरह की कोई करके खत्म कर दी वो चीज। पर जो रेगुलर चेक है वो बार बार मिसिंग है, जैसे कि आपने कहा कि वियतनाम वाले ही मामले में अगर ये मामला भारत सरकार के पास पहुंचा था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से भी ये कमी रही कि हरियाणा में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या भारत सरकार को भी यहाँ पर दोषी नहीं माना जाएगा? दोष तो देखिए सारे सिस्टम का ही है, भारत सरकार का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, दोनों का ही दोष, तो एक का किसी का नहीं माना जा सकता। हालांकि एक ये हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जिसको कहते हैं पासिंग द बक, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहरा देती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी और को ठहरा देगी, सो उसको कहते हैं पासिंग द बक, कहते हैं जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है जी। और पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है, थोड़े दिन शोर होता है इन चीज़ों का, 15 दिन महीना शोर होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैडन जो है पूरे जो कंट्रोवर्सी का जो एक सेंटर पॉइंट है, बार बार आके वहीं रुकता है कि मैडन फार्मास्यूटिकल, इसकी एक नहीं कई दवाएं सब स्टैंडर्ड जानलेवा साबित हुई हैं, बार बार सैंपल्स इसके फेल हुए हैं। आपने वियतनाम की भी बात कही, आपने गाम्बिया की भी बात कही, आपने कुछ और जो हमारे कंट्री के जो अदर स्टेट्स हैं उनकी भी बात कही है, इन सब के केंद्र में मैडन आता है। और जो हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर हैं तनेजा, उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो वो कप सिर्फ मामले की जाँच कर रहे हैं और बाकी मामलों के बारे में वो कुछ भी कहने से अभी हिचक रहे हैं कि उस बारे में अभी हम जांच ही नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ये जो जांच का जो दायरा है इसे और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए? क्यों जो वो तमाम मामले हैं जिनमें कुछ लोगों की जान गई है या फिर सैंपल फेल हुए हैं उनकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? इस तरह का प्रेशर क्यों नहीं जो हरियाणा ड्रग कंट्रोलर है वो बिल्ड कर पा रहे हैं? देखिए पूरे सारी इनके जितने भी दवाइयाँ उनके सबके सैंपल्स की जाँच होनी चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे फ्लॉ लगता है वो ये है कि और स्टेट्स में जब ये सैंपल्स फेल होते हैं जी, इनकी जानकारी एक वेब पोर्टल है, एक्सटेंडेड लाइसेंसिंग पोर्टल कहते हैं उसे जी, लाइसेंसिंग एंड लेबोरेटरी पोर्टल, उसके ऊपर ये जानकारी आती है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है इसमें कि उस पोर्टल पे आज तक सिर्फ 3 ही स्टेट्स हैं जिनकी जानकारी मिलती है, बाकी स्टेट्स की जानकारी नहीं है उन पर। तो ये सारा जो है वायलेशंस जो हैं, इस तरह के सबस्टैंडर्ड क्वालिटी जो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं डाली जाती पब्लिक डोमेन में? आज का जो ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, एनीबडी कैन चेक एनीथिंग ऑन स्मार्टफोन, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते हैं? ताकि लोग जो हैं उनको पता लगे कि कौन सी कंपनी जो है उसको जो है उसको विश्वास करने योग्य है या नहीं है। ये सारी जो है इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर 3 ही स्टेट्स की उस पर इन्फॉर्मेशन रहेगी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें अभी मैग्नीट्यूड पता नहीं है इस प्रॉब्लम का जी। वो तो जब सारी इन्फॉर्मेशन अगर उस पर आ जाए, उस पोर्टल पर आ जाए, तो हमें पता लगेगा कि कितनी स्टेट्स में किस किस की क्या वायलेशन है। बिल्कुल, वो स्टेट्स रिस्पॉन्ड करेंगी, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, कई बार जो है हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है बड़ा आर्केक सिस्टम है कि वो फाइल चलेगी, कागज बनेगा, वो फाइल तो मिल जाएगी आपको, लेकिन ऑनलाइन उसको जो डालने के लिए जो है बहुत रिलक्टेंस है, गवर्नमेंट सिस्टम में भी रिलक्टेंस होती है। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स मेडिसिन इन पब्लिक इंटरेस्ट, दे शुड बी पुट ऑन अ वेब पोर्टल स्टेट वाइज और कंपनी वाइज जी। मुझे कोई दवाई खरीदनी है, मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांड रिकमेंड किया गया या फार्मास्यूटिकल, मैं एक बार चेक करूं कि इसकी क्या रेटिंग है, क्या स्टैंडिंग है इसकी जी, उसको खरीदने से पहले मैं पता करूं। आपको शायद इस बात का पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी पीछे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी है कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा अगर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है जी, तो वो बैकग्राउंड आपको अपनी पार्टी के वेब पोर्टल पे डालना पड़ेगा कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, और टीवी पे आपको 3 बार इलेक्शन से पहले ये एडवर्टाइज करके दिखाना पड़ेगा, सो दैट पीपल नो जी। तो इसी तरह से इन ड्रग्स के बारे में, इन मेडिसिन्स के बारे में पब्लिक डोमेन में अगर आप इंफॉर्मेशन डालेंगे, पीपल विल बी मोर अवेयर। मेरी चॉइस है मुझे कौन सी ड्रग लेनी है, मुझे पता होगा मेरे को इसकी कंपनी की खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है जी। हमारे यहाँ वैसे भी अवेयरनेस लेवल लो है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप डालोगे तो उससे अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, लोग ही जो है इनको जो है अपनी डिस्क्रिशन यूज करके लोग ही इन्हें नकार देंगे। बिल्कुल, तो एक दो चीजें, दो और सवाल आपके बातों से ही निकल कर आ रहे हैं, उनको भी मैं समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं चर्चा में और फौरन लौटते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।
रिकी बात फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। आज बातचीत बढ़ा रहे हैं आगे हितेंद्र राव, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। आपकी बातों से ये दो सवाल मन में आए थे कि एक तो डिजिटली अवेयर कितना है इंडिया, और दूसरा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्यों नहीं। आपने कहा कि सिर्फ 3 स्टेट जो हैं वो वेबसाइट पर, वहाँ पर उनके बारे में जानकारी है। ये 3 स्टेट पर तो मैं जाना चाहूँगी कौन है जो इतना अच्छा जो रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। नेहा जी, एक तो गुजरात है, केरल है और एक स्टेट कोई और है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन इन 3 स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन है। और ये जो वेब पोर्टल है, जो एक्सटेंडिंग लाइसेंसिंग एंड लेबोरेटरी पोर्टल है, ये भारत सरकार का है, गुजरात के सहयोग से बनाया गया है लेकिन भारत सरकार का। इस पर आइडली तो सब स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जी, कि जिस भी स्टेट में दवा जाती है, क्योंकि यूनिट्स तो कहीं जगह कहीं भी हो सकता है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के यूनिट्स की दवा भी नॉर्थ इंडिया में आती है, नॉर्थ इंडिया में यूनिट्स हैं उनकी दवा साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन मार्केट्स में जाती हैं वो दवाएं। तो ये सब जगह होना चाहिए कि टेस्टिंग की क्या, जो रैंडम सैम्पलिंग होती है जो वहाँ की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं, उनकी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या उनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट्स आई हैं, ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है कंज्यूमर्स को, और ये पब्लिक हेल्थ का मामला है, इसमें हर आदमी की जो है जिसको कहते हैं ना हेल्थ और वेलबींग जुड़ी हुई है, तो इसमें हमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। रेगुलेटरी चेक्स तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर पब्लिक डोमेन में रहेंगी तो उससे बहुत, मेरा मानना यह है कि उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑटो चेक हो जाएगा, ऑटो चेक हो जाएगा, लोग अवेयर होते हैं, लोग खुद ही नकार देंगे। अगर कल को ये आ जाता है कि एक पर्टिकुलर एक्स कंपनी है और उसके वायलेशंस हैं हर जगह, उनके सैंपल फेल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम है वहां पे, इनफैक्ट अगर ये चाहें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और ये CDSCO अगर चाहें तो एक रेटिंग कर सकते हैं हर कंपनी की, दैट कैन बी पुट ऑन अ वेब पोर्टल कि क्या रेटिंग्स हैं उनकी। आप ट्रांसपेरेंसी के उसमें डालो, उनके इवेल्युएट करो। कई बार होता है कि किसी छोटी मोटी बात की वजह से सैंपल फेल हो जाता है, उसको आप थोड़ा जो है यू नो यू डोंट गिव हिम अ दैट बैड रेटिंग, लेकिन वो एक ओवरऑल जो एग्रीगेटेड रेटिंग है उनकी बताओ कि ये कंपनी क्या, इसकी क्या रेटिंग है, इसके इतने हजार या इतने लाख सैंपल टेस्ट हुए हैं, उसकी क्या रही है, क्या इनका कितना क्वालिटी स्टैंडर्ड किस लेवल का मेंटेन किया, वो बेंचमार्क्स आप जो आपने बना रखे हैं उन पे उनको इवेल्युएट करिए और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालिए आप। यहाँ पर एक अवेयरनेस मैं समझना चाहूँगी कि जो केमिस्ट का है, आमतौर पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने केमिस्ट के पास जाते हैं, जिस पर उन्हें भरोसा होता है कि उनकी दवा जो वो केमिस्ट देगा उसे वो ठीक हो जाएंगे, उनके परिवार के सदस्य ठीक हो जाएंगे। केमिस्ट के रोल को किस तरह से आप देखते हैं? हिमाचल में तो बड़े पैमाने पर बद्दी में दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हिमाचल में लोकल मैन्युफैक्चर दवाओं की जो है ज़्यादा बिक्री दिखती है। नेहा जी, हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। कई ऐसी मेडिसिंस और ड्रग्स जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रिस्क्रिप्शन से मिलती हैं जी, हमारे यहाँ पे हम केमिस्ट से जाके लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गरीब तबका है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, अर्बन मिडिल क्लास है वो भी है, वो भी कई बार छोटी मोटी बात के लिए, कभी किसी का पेट खराब हो गया या थोड़ा खांसी जुकाम हो गया, सीधा केमिस्ट के पास ही चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टू अ डॉक्टर, और दे रिलाई ऑन द केमिस्ट के उससे वो दवा ले आए। कई बार वो एडवाइजेबल नहीं भी होता है, क्योंकि डॉक्टर है, केमिस्ट जो है, केमिस्ट उस तरह से उस चीज़ को इवेल्युएट नहीं कर सकता। लेकिन ये एक आम हमारे यहाँ पे सिस्टम है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिनको OTC ड्रग्स कहते हैं, वो बड़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं, यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस लेवल हो, अवेयरनेस अबाउट व्हाट टू पिक एंड व्हाट नॉट टू पिक, किस चीज़ को हमने लेना है, किस चीज़ को हमें नहीं लेना है, उसके बारे में अवेयरनेस, और रेगुलेटरी चेक ऑन द कंपनीज, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो वो मेडिसिंस बनाती हैं जी, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में उनकी ड्रग, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे तो भी वो मिल जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि रेगुलेटरी चेक्स भी स्ट्रिंजेंट हो, रेगुलर इंस्पेक्शंस हो, इनका पेपर वर्क जो है वो प्रॉपर हो, और इनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है पब्लिक डोमेन में डाला जाए, जैसा मैंने पहले ही कहा आपको कि इनको कब लाइसेंसेस लेते हैं ये, कब इन्होंने जो है रॉ मटेरियल मंगाया इन्होंने, उसकी जो है रियल टाइम अपडेशन होनी चाहिए जी, यू नो, फॉर हेल्थ अथॉरिटीज आल्सो, फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज जी। ये जो आप जो फाइलों पे आप डिपेंडेंसी है, वो फाइलों पे डिपेंडेंसी आपकी
कम होती जानी चाहिए, जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है या ड्रग रेगुलेटर है, क्योंकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी एक प्रॉब्लम है कि मैन पावर इतनी ज्यादा नहीं है जी। लेकिन अगर आप ये सारा का सारा आप जो ये कंटेंट्स है अगर आप ऑनलाइन कर देते हैं, डिजिटाइज करके डाल देते हैं, तो काफी सारी आपकी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है विल जी, जो मुझे लगता है अभी तक मिसिंग है। आज की डेट में इस कंपनी के वो 4 सैंपल्स जो हैं वो टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं जी। जो फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो टेस्टिंग का काम है एक दिन से ज्यादा का काम नहीं है ये। अब ऑलमोस्ट 7 दिन होने को आ गए, 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं जब इसकी इनके सैंपल लिए गए थे, 7 दिन से भी ज्यादा हो गए, 8-9 दिन हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कोई ऐसा कोई हमारे पे वो। ये जो 7 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये कोशिश है कि थोड़ा सा टाइम बाय कर ले, लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। ये हमेशा जो है इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिलता है कि एक नेचर है कि मामला अभी गर्म है, थोड़ा और टाइम बाय कर लेते हैं। होता है, आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह की भी बात है, होती है इस तरह की भी बात कि अभी मामला गर्म है, इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए, कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट से मेरी कईयों से बात हुई है और मैंने उन्हें पूछा कि कितना समय लगता है इनकी टेस्टिंग करने में, तो लोग कहते हैं कि एक दिन का काम है ये, बल्कि चंद घंटों का काम है। अगर आपने दिया 2-4 घंटे में आप टेस्ट करके दे देते हो जी, आपको एक कंटेंट ही तो ढूंढ रहे हो, उसमें कंटेमिनेशन ही ढूंढ रहे हो, आप कर सकते हो। जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज है दे आर फुली इक्विप्ड टू डू दिस, बिल्कुल। बट ये अभी तक जो है आपकी रिपोर्ट अभी अवेलेबल अभी हुई नहीं है, टेस्टिंग हुई नहीं है, या हो गई है उसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की है, दे आर वेटिंग फॉर सम अप्रूवल्स के क्या करना है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है। लेकिन जो है ये दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंसी, दिस इज ओपेकनेस। होना तो ये चाहिए था कि अगर WHO ने ये कहा है कि हमने इनके सैंपल टेस्ट करा के हमें ये कंटेमिनेंट मिले हैं इसमें, आप तुरंत कराओ, अगर आपको लगता है कि उसके सैंपल में है तो आप एक्शन लो इमीडिएटली, और आपको नहीं लगता है तो आप देखो आपके कि आपकी रिपोर्ट और उनकी रिपोर्ट में कैसे फर्क है। उसके लिए एपलेट लैब भी है, जो एपलेट जहां आप अपील कर सकते हो, अगर आपको डिस्प्यूट आता है तो अपील कर सकते हो आप। लेकिन कोई आप जो है कोई किसी तरह की एक सीक्वेंस तो बना के रखिए, वहां से आ गया है, हम अपनी लेवल पे टेस्टिंग करा रहे हैं, पर हम कर क्या रहे हैं, हमें हफ्ते से ज्यादा हो गया, हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है उसका। बिल्कुल, ऐसे में जो भारतीय जांच व्यवस्था जो है प्रणाली, इस पर भी आपने बहुत ही शुरू में एक बात कही थी कि गाम्बिया जहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म ही नहीं है, कोई ऐसी प्रणाली ही नहीं है कि दवाओं की जांच की जाए, और इस वाकये के सामने आने के बाद वहाँ के जो नेता है उन्होंने कहा है कि वो करवाएंगे। भारत में तो ये सभी एजेंसियाँ हैं, मैं जब इस मसले पर पढ़ रही थी, बहुत जगह रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तो कई एजेंसी सामने आई जिनका मुझे पता ही नहीं था। तो एक एक्सपोर्ट काउंसिल भी है, एजेंसीज के मामले में भारत के पास कोई कमी नहीं है, पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है, लेकिन विल, जैसे आपने कहा कि विल की कमी है, और ये विल की कमी इस मामले में भी नज़र आ रही है। ऐसे में कितनी उम्मीद लगाएं कि मैडन के खिलाफ वाकई में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहता एकदम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, शो कॉज नोटिस भी दिया गया है, उस पर भी जवाब मांगा गया है उनसे, जब उनका जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स जो एक्ट है और रूल्स हैं उसके अंडर ये प्रोविजन है कि आप शो कॉज नोटिस देते हो, रिप्लाई आता है, फिर आप कोई एक्शन लेते हो। उधर इन्वेस्टिगेशन आप सैंपल की कर रहे हो, सैंपलिंग जो की है उसकी भी आप जांच कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें अब जो फ्यूचर में क्या होगा, ये तो ये सब चीज़ें इन्हीं का बताएंगे कि उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या उसमें फाइंडिंग्स क्या आती हैं, ये तो वही बता सकता है, और इनकी तरफ से क्या रिप्लाई जाता है। लेकिन जो शो कॉज जो इन्होंने दिया है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि इन्होंने जो है वो प्रोपलाइन ग्लाइकोल की क्वालिटी टेस्टिंग तो नहीं करवाई है इन्होंने। अब ये उसका क्या जवाब देंगे, और ये जो बैचेस को लेके जो डिस्क्रिपेंसीज हैं कि आपने जो उसका बैच आया, स्टॉक आया, वो आपने, आपको मिला है फरवरी या मार्च 2022 में, फरवरी में आपने मंगवाया, मार्च में आया और आपने एनालाइज किया, दवा पे मैन्युफैक्चरिंग आपकी दिसंबर 2021 की, क्या ये आधार बन सकता है लाइसेंस रद्द करने? बिल्कुल बन सकता है, अगर ये सही से, अगर इसको नहीं, अगर इसको, अगर ये प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें इसको, और ये इन्होंने काफी हद तक किया भी है, और प्रोपलिन ग्लाइकोल आपका जिसकी एक्सपायरी 23 की है, और मेडिसिन जिसमें डाला है वो उसकी एक्सपायरी 24 की है, बहुत बड़ा
क्या इशू है, ये तो इसी पे लाइसेंस कैंसिल हो सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हितेंद्र राव जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और इतने बेहद संगीन गंभीर मसले पर हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से जानकारी शेयर करने के लिए। तो फिलहाल चर्चा द ट्रुथ में इतना ही और उम्मीद करेंगे कि आज हितेंद्र राव के साथ जो हमने बातचीत की है उसे एक अवेयरनेस क्रिएट ज़रूर यहाँ पर होने में मदद मिली होगी कि आमतौर पर भारत में जो केमिस्ट के पास जाकर हम दवा ले लेते हैं लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होता है। अगर आप बीमार हैं तो पहले देखिए कि आप किस कंपनी की दवा खरीद रहे हैं, कहीं ये सब स्टैंडर्ड दवा तो नहीं हो सकती है। WHO ने जो अलर्ट जारी किया है मेडन फार्मास्यूटिकल को लेकर, भारत में इसकी जाँच चली और ये जो जाँच चल रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या मेडन का जो लाइसेंस है वो रद्द होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।